मुंबई शहर में जो नए जेम्बो फैसिलिटी शुरू करने वाले हैं वो चार फैसिलिटीज में ये एक फैसिलिटी है जो मेरे मतदार संघ में है, यहाँ मलाड के अंदर है। 2000 बेड की फैसिलिटी यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है यहाँ पे डालने के लिए, उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चालू की जा रही है और महीने डेढ़ महीने के अंदर ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और मुंबई के लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे चल के उनको आइसोलेशन के बेड मिलेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन के बेड मिलेंगे कि नहीं। सरकार उनके साथ में खड़ी है, उनका पालक मंत्री खुद जहाँ जहाँ जेम्बो फैसिलिटीज आने वाले खुद जा रहा हूँ, वहाँ खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और बहुत जल्दी जो है उनकी सेवा में सारे बेड्स उपलब्ध होंगे। सर टोटली मुंबई में कितने बेड्स अवेलेबल हो जाएंगे? 5300 बेड्स का लक्ष्य हमने रखा है, चार जेम्बो फैसिलिटीज आने वाले हैं और वो उसके अंदर 70% जो है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन सारे बेड्स को लगा होगा, 200 जो है हर यूनिट के अंदर जो है आईसीयू बेड्स होंगे। उसी तरीके से सारी तैयारी की जा रही जिस तरीके से हमने पहले की थी, इसलिए मुंबई को खास करके कहना चाहूँगा कि एकदम ज़मीन पे लगकर आप लोगों के सामने हम लोग काम कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी दिक्कतें आ रही है, ये जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है इसका सिर्फ आप पालन करें ताकि ये चेन भी तोड़ी जा सके और ये फैसिलिटीज हम खड़ा करें, लेकिन इसमें किसी को आने की जरूरत ना पड़े ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम को 8 बजे से जो है कड़क निर्बंध आ रहे हैं, लेकिन अब भी आप खुद आते समय देखा रहेगा कि बहुत सारे दुकान अभी भी खुले, जैसे कि 7 से 11 बजे तक का टाइमिंग दिया हुआ है, तो भी गार्डन के बाजू में ही देखिए दुकान खुला हुआ है। नहीं, ऐसा है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो एसेंशियल्स के अंदर आते हैं, जिसको हमने खुला रखने कहा है कि जहाँ पे एसीस के पार्ट्स मिलते हैं, जो दुकानें को हमने खुला रखने को कहा गया वो 24 घंटा खुली रहेगी और बाकी की दुकानें बंद होंगी और आज से शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कल से आप देख सकते हैं कि आज आप यहाँ पे आए हो, मेरे साथ बोरोली में थे, बोरोली से यहाँ पे आए हो, आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, ट्रैफिक लगभग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दुकानें लोग जरा सा पैनिक हो गए थे तो आज वो लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में आएंगे इसलिए रुक गए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कल से आप देखेंगे तो जो भी हमने गाइडलाइंस दी हुई है उसको पूरी तरीके से जो है सबको मानना पड़ेगा।